जब कोई फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रचती है तो उस फिल्म को कल्ट कहा जाता है। अगर गौर से देखें तो केजीएफ ने बाहुबली और शोले की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया है, इसीलिए केजीएफ 2 का सबसे ज्यादा बज बना हुआ है। क्योंकि अगर आप केजीएफ 2 की कहानी को ध्यान से देखें या उस फिल्म में निभाए गए किरदारों को, तो भारतीय सिनेमा में ऐसे किरदारों की भरमार तो दिखाई देती है, लेकिन आज तक यश ने जिस प्रकार से कन्नड़ इंडस्ट्री को इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया है, अगर आप केजीएफ फिल्म के सिनेमेटोग्राफी को देखें तो आपको हॉलीवुड की याद आएगी। अब केजीएफ 2 में भी लोगों को इसी प्रकार की उम्मीद है। केजीएफ 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ 2 में भी वन लाइनर डायलॉग्स रखे हैं जो लोगों की जुबान पे जल्दी चढ़ जाते हैं, और वहीं जब से संजय दत्त का लुकआउट हुआ है तब से लोग मानने लगे हैं कि केजीएफ 2 भी बाहुबली से बड़ी फिल्म साबित होगी, और इस फिल्म में संजय दत्त खलनायकी की एक नई परिभाषा गढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती है तो ये फिल्म आराम से 1500 से 2000 करोड़ तक का बिजनेस कर लेगी। अगर इस फिल्म की एक्शन की बात करें तो एक्शन के लिए हॉलीवुड से कोरियोग्राफर हायर किया गया है। इस फिल्म का कैनवास 70 और 80 के दशक की फिल्मों की तरह रखा गया है, लेकिन फीलिंग बिल्कुल नए जमाने वाली, यानी कि 21वीं शताब्दी वाली। वहीं इसमें संजय दत्त और यश के बीच एक फाइटिंग सीन रखा गया है जिसमें दोनों शर्टलेस नजर आएंगे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड, यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्री भी शर्टलेस सीन को देखने के लिए बेताब रहती है। और साथ ही ये भी सुनने में आया है कि इस फिल्म में बॉलीवुड की सबसे हिट और कल्ट फिल्म का एक गाना महबूबा महबूबा भी फिल्माया जाएगा, यानी कि रिक्रिएट किया जाएगा, और इस फिल्म का नाम है शोले, यानी कि शोले का गाना महबूबा महबूबा इस फिल्म में फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग क्यों रुकी और क्यों फूट फूट कर रोने लग गए यश? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, अपकमिंग कन्नड़ फिल्म केजीएफ 2 का दर्शकों में बेहद क्रेज है। आखिर हो भी क्यों ना, इस फिल्म में नजर आने वाले हैं संजय दत्त विलन के किरदार में, और वो भी धमाकेदार उनका लुक इस फिल्म में होने वाला है। और साथ ही इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर यानी कि केजीएफ चैप्टर 1 ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, इसीलिए दर्शक इस फिल्म की आगे की कहानी जानने के लिए बेताब है। लेकिन एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल जेएमएफसी कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर आया है कोलार गोल्ड फील्ड्स में, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। केजीएफ 2 में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, यश, सरन शक्ति जैसे कलाकार काम कर रहे हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नी। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक कोलार गोल्ड फील्ड्स की साइनाइड पहाड़ी पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन उसे कोर्ट के ऑर्डर की वजह से रोकना पड़ा। दरअसल पास ही रहने वाले श्रीनिवास ने फिल्म के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट डाली है, जिसमें उसने कहा है कि सेट्स बनाने के लिए और शूटिंग करने के लिए हिल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर भी फर्क पड़ रहा है। श्रीनिवास की बात पर गौर करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू ही अभी इसी महीने की शुरुआत में हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म में लीड में नजर आने वाले हैं यश, जो कि कन्नड़ के बड़े सुपरस्टार हैं, और अभी हाल ही में उनकी वाइफ राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर करते हुए यश की जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट शेयर किया है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कहा कि हमने आर्या यानी कि उनकी बेटी के कान छिदवाए। किसी भी पेरेंट्स की जिंदगी का ये सबसे मुश्किल काम होता है। उसको इतना रोता देख हमारा दिल टूट गया था। पहली बार मैंने रॉकिंग स्टार की आंखों में आंसू देखे, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये बॉन्ड जिंदगी में कितने अमूल्य होते हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, दोनों पापा और बेटी अब ठीक हैं। राधिका की इस पोस्ट पर फैंस भी खूब कॉमेंट कर रहे हैं। इस बात से मालूम चलता है कि हमारे सुपरस्टार यश काफी इमोशनल भी है। केजीएफ यश की जिंदगी की सबसे सफल फिल्मों में से एक फिल्म है। ये फिल्म 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में यश ने रॉकी का किरदार निभाया था, जिसका उद्देश्य दुनिया और सोने की खान जीतना है। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही यश केजीएफ का पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। इस फिल्म का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संजय दत्त की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभिनय करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी।
इसकी वजह से उनकी रुचि फिल्मों के प्रति और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराहना हासिल हुई थी। 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था। इसके लिए उन्होंने कानों में बालियां पहनी, सर पे टोपी, एक आंख पर काला कपड़ा बांधा और दाढ़ी मूछें भी बढ़ाई थी। और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। वहीं उनकी दूसरी फिल्म है 1999 में आई वास्तव, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। और वास्तव में इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही लुक में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे। उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर। इस फिल्म को संजय गुप्ता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आंखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आए थे, जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया। तो वहीं 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान। इस फिल्म को हृदय शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबा यानी कि संजय दत्त एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाढ़ी रखी, साथ ही बालों में कलर भी किया था। या फिर यूं कहें कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने लुक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और 2012 में आई उनकी अग्निपथ को तो कौन भूल सकता है। अग्निपथ को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में संजू बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बोहें भी हटवा दी थी। जी हाँ, साथ ही हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे। और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनायक के रोल को डैनी डेंजोंगपा के साथ भी कंपेयर किया गया था। डैनी डेंजोंगपा की बात करें तो वो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं, जिनके काम को हर किसी ने सराहा था। डैनी डेंजोंगपा ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस्त रोल अदा किया था। तो अग्निपथ में भी संजय दत्त ने निभाया जबरदस्त खलनायक का रोल, जिसमें उनका जो किरदार था कांचा चीना का, वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक खुशखबरी है, वो आ रहे हैं यश की फिल्म में। जी हाँ, आपने यश की KGF चैप्टर 1 में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीठ किए खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नॉर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए, और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है। फरहान अख्तर और रितेश सिद्वानी इसको मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम है सबसे आगे, क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यश जैसे एक शेर के साथ टकराएगा, और अब शेर के साथ कोई मेमना तो नहीं टकरा सकता। तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए, किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टक्कर का हो, क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना कि हीरो। एग्जाम्पल के लिए, अगर सुपरमैन एक जेब कतरे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिंग से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना कि सुपरमैन, तब लगती है दोस्तों कांटे की टक्कर, तब होती है असली लड़ाई, तब आता है मजा। तो ऐसे में संजय दत्त की यश के साथ टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ऑफ द ईयर से भी नवाजा जा चुका है, दोस्तों वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण है। उनके रोल के बारे में तो क्या कहें,
मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास जाने से भी हर कोई डरता था। और इनको 2000 में विलन ऑफ द ईयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है। अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमति, अमर अकबर एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है। दोस्तों, साल 2018 में रिलीज हुई साउथ की सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। ये फिल्म 2018 में 21 दिसंबर के दिन रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद से ही प्रशंसक इसके दूसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं। वेल, जहां फिल्म ने अपनी रिलीज का एक साल पूरा कर लिया है, तो इस मौके पर फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्टर शेयर किया है। जी हां, जिसमें यश अपने ही रोल में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ फरहान अख्तर ने कैप्शन में भी लिखा है, साम्राज्य की फिर से स्थापना के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि केजीएफ के पहले पार्ट के आने के बाद से ही दूसरे पार्ट का इंतजार प्रशंसक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफी अच्छा कलेक्शन किया था। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम जैसी भाषाओं में रिलीज हुई थी और फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। केजीएफ चैप्टर 2 की अगर बात करें तो इसका निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। फिल्म में अनंत नाग, वशिष्ठ सिन्हा, मलाविका अविनाश, रामचंद्र राजू जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा ये फिल्म संजय दत्त को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, संजय दत्त इस फिल्म में निगेटिव किरदार प्ले करने वाले हैं। उनका लुक काफी समय पहले से ही सुर्खियों में चल रहा है। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये मानना है कि फिल्म में संजय दत्त का किरदार एवेंजर्स के थैनोस से प्रेरित होने वाला है। वेल, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि संजय दत्त इस बार किस नए अवतार में नजर आने वाले हैं, क्योंकि संजय दत्त निगेटिव शेड्स के काफी दमदार रोल प्ले कर चुके हैं। दोस्तों, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील एंड स्टारिंग यश, केजीएफ चैप्टर 1 कन्नड़ लैंग्वेज की पीरियड एक्शन फिल्म है जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के पहले पार्ट से फैंस काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और साथ ही फिल्म मेकर्स ने खबर दी थी कि वो चैप्टर 2 पर भी काम कर रहे हैं। कुछ ही वक्त बाद फिल्म के विलन के तौर पर संजय दत्त को इंट्रोड्यूस कराया गया और सबको उनके किरदार अधीरा का नाम भी बताया गया। मेकर्स ने फिल्म से संजू बाबा का लुक शेयर करते हुए दर्शकों को बताया कि इस फिल्म में संजय दत्त अधीरा नाम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही फिल्म मेकर्स ने अधीरा के किरदार को कंपेयर किया थैनोस के किरदार से, जो कि सुपर विलन है एवेंजर्स सीरीज का, जिसके बाद से दर्शकों के मन में फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है। संजू बाबा के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि अधीरा के किरदार के लिए बाबा ही फर्स्ट चॉइस थे। एक करीबी सूत्र ने बताया कि संजय दत्त की फिल्में देखते हुए यश बड़े हुए हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेस और उनकी फिल्मों के हमेशा से ही फैंस रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट में कोई भी एज सच बड़ा विलन नहीं था, लेकिन जब चैप्टर 2 को लॉक किया गया तो तभी यश चाहते थे कि अधीरा के किरदार के लिए संजय दत्त को कास्ट किया जाए। यश ही ने मेकर्स को संजय दत्त का नाम सजेस्ट किया था और वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बाबा फिल्म के लिए हाँ कह दे। अब चूंकि बाबा ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर ऑन बोर्ड हैं, तो यश के लिए ये प्रोजेक्ट उनका सपना पूरा होने जैसा है। फिल्म के बारे में बात करते हुए यश ने कहा कि मैं अभी केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर बिजी हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने पहले पार्ट के लिए भी ये कहा था कि ये फिल्म कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की प्राइड बढ़ा देगी और आप सब ने रिजल्ट्स देख भी लिए। वो आगे कहते हैं कि लोगों के सपोर्ट ने हमें स्ट्रेंथ दी। केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में बस इतना कह सकता हूँ कि चैप्टर 1 इसके आगे बहुत छोटा लगने वाला है। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि फिल्म का कंटेंट और भी ज्यादा नया और बड़ा होने वाला है। यस की केजीएफ चैप्टर 2 ने कैसे अजय देवगन और अक्षय कुमार को धूल चटा दिया है, पूरे कर्नाटक को न्योता क्यों यस ने दिया था। केजीएफ चैप्टर 2 भारत की सबसे बड़ी फिल्म कैसे बनने जा रही है, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। यस की केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज का फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार। जब केजीएफ की सीक्वल की घोषणा हुई तब इंटरनेट पर तहलका मच गया। अब हाल ही में एक लीडिंग ट्रैकिंग पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म केजीएफ का डब वर्जन है। यस की फिल्म केजीएफ ने अपने रिलीज के बाद से पूरे भारत में दर्शकों
लोगों के बीच तहलका मचा दिया था। केजीएफ हिंदी सर्किट में भी सुपरहिट साबित हुई थी। पोर्टल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये अपडेट दिया है। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक का कोलार जिला सोने की खदानों के लिए जाना जाता है और इन्हीं खदानों के आसपास केजीएफ की कहानी को बुना गया है। इसके विषय में अंडरवर्ल्ड को भी शामिल किया गया है। केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे, साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ को मारने की कहानी दिखाई गई, इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। केजीएफ महज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए की कमाई की। यस बड़े पर्दे पर अपने काम के दौरान जितने सहज नजर आते हैं वो अपनी रियल लाइफ में उतने ही नेक दिल हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी ही है। कर्नाटक में जन्मे यस का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल नंदा गोकुल से की थी। यस का फिल्मी करियर 12 साल का है और उन्होंने अब तक 18 फिल्मों में काम किया है। यस के पास 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और वो 3 करोड़ के बंगले के मालिक हैं। कम ही लोग यह बात जानते हैं कि एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए फीस लेने वाले यश के पिता आज भी बस चलाते हैं। दरअसल उनके पिता का मानना है कि वो इसी नौकरी के चलते अपने बेटे को इतना बड़ा बना पाए हैं, इसीलिए वो ये काम नहीं छोड़ेंगे। यश की प्रेम कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्ट्रेस राधिका पंडित से लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात नंदा गोकुल के सेट पर हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की एक बेटी है। कहा जाता है कि यश ने अपनी शादी की रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को इनवाइट किया था। साल 2017 में यश और राधिका ने मिलकर यश मार्ग फाउंडेशन शुरू किया। ये संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। इस संस्था ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके झीले बनाई है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। जिस प्रकार से केजीएफ चैप्टर 2 की चर्चा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं।